मुसीबतों का चढ़ता जा रहा है पारा, कोई नहीं बन रहा सिसोदिया का सहारा। जेल में बैठे बैठे पढ़ेंगे किताब, बाहर आने पर पूरा करेंगे हिसाब। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, दिन ब दिन संकट के काले बादल गहराते जा रहे हैं। अब हिरासत की तारीख बढ़ चुकी है और पूछताछ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल उनके न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया गया है, मतलब अब 5 अप्रैल तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही गुजारने पड़ेंगे। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर से कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई थी। ईडी ने कहा, फिलहाल के लिए उनकी पूछताछ तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आगे पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो फिर से सिसोदिया को रिमांड पर लेने की याचिका दायर की जा सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने कुछ किताबें ले जाने की अनुमति मांगी। इसके पहले भी सिसोदिया जेल में गीता ले जाने के लिए अनुरोध किए थे, तो उनकी मांग को पूरा किया गया था। फिलहाल उनके मोबाइल की पड़ताल की जा रही है। ईडी ने कोर्ट में शुक्रवार को कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी सिसोदिया से और सवाल पूछताछ यूं ही जारी रहेगी। 26 फरवरी को सीबीआई के गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वहां से ईडी ने पूछताछ के बाद अपने रिमांड पर ले लिया था।